हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, एलडीसी एलडीसी रेलवे रेलवे टेकन टेकन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में में आप आप लोग लोग का का स्वागत स्वागत है। है। आज आज हम हम लोग लोग टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज 22 22 का का पार्ट पार्ट 1 1 हम हम लोग लोग देखेंगे। देखेंगे। यह यह क्वेश्चन क्वेश्चन जो जो है है वेस्टर्न वेस्टर्न सेंटर सेंटर रेलवे रेलवे कोटा कोटा डिवीजन डिवीजन का का यह यह क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। यह यह जो जो है है व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर नंबर है है जिस जिस पर पर आप आप लोग लोग मैसेज मैसेज करके करके टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज में में भाग भाग ले ले सकते सकते हैं हैं या या पीडीएफ पीडीएफ प्राप्त प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। चलिए चलिए देर देर ना ना करते करते हुए हुए हम हम क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। अगर अगर मेरा मेरा वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो लाइक, लाइक, शेयर शेयर और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। कीजिएगा। देखिए, देखिए, एग्जाम एग्जाम डेट डेट 6/9/2021 6/9/2021 का का है। है। यह यह क्वेश्चन क्वेश्चन जो जो है है पहले पहले का का है। है। इधर इधर न्यू न्यू क्वेश्चन क्वेश्चन जितने जितने भी भी उसका उसका कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं आप आप लोग लोग वीडियो वीडियो देख देख ही ही लेते लेते हैं हैं जिसमें जिसमें टेस्ट टेस्ट देने देने में में मजा मजा नहीं नहीं आता आता है। है। इसलिए इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा ऐसा जा जा कहीं कहीं नहीं नहीं देखे देखे हो हो या या बहुत बहुत पुराना पुराना हो हो तो तो आप आप लोग लोग को को मतलब मतलब कि कि टेस्ट टेस्ट देने देने में में लगे लगे कि कि हाँ हाँ भाई भाई एग्जाम एग्जाम दे दे रहे रहे हैं हैं इस इस टाइप टाइप से। से। चलिए चलिए देर देर ना ना करते करते हुए हुए हम हम क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर एक। एक। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर एक एक में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि वृत्त वृत्त का का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 616 स्क्वायर cm है, है, तो तो इसका इसका व्यास व्यास मतलब मतलब कि कि निकालना निकालना है। है। ठीक ठीक है, है, इसका इसका ए ए जो जो है है आपको आपको क्षेत्रफल क्षेत्रफल दिया दिया हुआ हुआ है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो आप आप लोग लोग जान जान ही ही रहे रहे हैं हैं कि कि वृत्त वृत्त का का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो जो है है पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर होता होता है। है। तो तो बहुत बहुत पहले पहले से से आप आप लोग लोग पढ़ते पढ़ते आ आ रहे रहे हैं हैं पाई पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर इसका इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता होता है। है। यहाँ यहाँ पर पर क्षेत्रफल क्षेत्रफल का का मान मान दिया दिया हुआ हुआ है, है, तो तो यहाँ यहाँ पर पर हम हम लिख लिख सकते सकते हैं हैं 600 16 बराबर पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक ठीक है, है, अब अब यहाँ यहाँ पर पर फिर फिर लिख लिख दीजिए दीजिए 600 16 बराबर पाई, का मान यहाँ यहाँ पर पर रख रख सकते सकते हैं हैं 22/7 × r²22/7 × r² आर आर स्क्वायर स्क्वायर का का मान मान नहीं नहीं दिया दिया हुआ हुआ है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो आर आर स्क्वायर स्क्वायर जब जब हम हम इधर इधर रखेंगे रखेंगे तो तो पाई पाई इधर इधर जाएगा जाएगा तो तो बटा बटा में में चल चल जाएगा जाएगा और और यह यह बटा बटा में में है है तो तो उलट उलट जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है है ना, ना, यानी यानी आर आर स्क्वायर स्क्वायर बराबर बराबर हो हो जाएगा जाएगा 600 16 बटा बटा मतलब मतलब कि कि 22/7।22/7। ठीक ठीक है, है, या या आर आर स्क्वायर स्क्वायर बराबर बराबर 600 16 × 7/22। ठीक है, अब इसको इसको कटा कटा सकते सकते हैं, हैं 11 × 2 = 22 और 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 66। ठीक है, यानी 56 हो गया। फिर इसको 2 से कटा दीजिए, 28 × 2 = 56 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है, 28 × 7 यानी आर स्क्वायर बराबर आपको आ जाता है 28 × 7। ठीक है, अब हम इधर तो जगह तो नहीं है, एक लाइन और लिखा जा सकता है, यानी जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी आर बराबर इस पर रूट चला जाएगा 28 × 7। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा आ जाते हैं। ठीक है, जगह तो नहीं है, तो यहां पर जो है 7 × 4 = 28 यानी यानी आर बराबर इसको हम रूट में तोड़ देंगे 2 × 2 × 4 2 × 4 = 28 × 7 यानी 2 2 का जोड़ा यहाँ बन जा रहा है। यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 2 × 7 यानी बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ पर आर का मान 14 cm निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको डी का मान पूछा है। ठीक है, डी का मान तो 14 × 2 हम कर देंगे अर्थात 28 cm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, ए बराबर जो है एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हम ए का मान रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जो है इधर रहेगा तो इस पर बटा में चल जाएगा और फिर से इसको मैंने लिखा या उलट जाएगा जब गुना में जाएगा, तो कट करके आपको आर स्क्वायर इतना मान आ गया। इस तरह करके आप देख ही रहे, कैलकुलेशन आप लोग के लिए कोई तो ऑफिस में नहीं है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इतना मीटर तथा चौड़ाई 0.5 मीटर तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, तो क्षेत्रफल तो आप जान ही रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2 जो हो गया लंबाई हो गया, चौड़ाई जो है 0.5 मीटर में है। ठीक है ना, तो आराम से 5 × 2 = 10, एक अंक के बाद दशमलव देंगे अर्थात 0 कट जाएगा, अर्थात 1 मीटर जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जो है स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल कभी भी निकलता है तो स्क्वायर में ही निकलता है, इसका आंसर 1 हो गया। उसमें तो आप लोग देख ही लिए थे कितना आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये क्या है, 0 × 5 + 3, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो सब चुटपुटिया क्वेश्चन है, आप लोग तो आराम से बना सकते हैं। 0 × 5 + 3 × 1, यह 0 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो इसका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 का आंसर आपको 3 आएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चुटपुटिया, कोई क्वेश्चन भारी नहीं आता है। लोग बहुत तो कॉमेंट करते हैं कि सर मैथ कैसे बनाए, तो मैथ जो भी है, चाहे आप लोग पहले भी एग्जाम देते हुएगा, मतलब नौकरी लगने से पहले, उस वक्त भी देखते हुए कि ऐसा क्वेश्चन कोई मैथ का नहीं पूछता है जो फंसने वाला हो, ठीक है, क्योंकि उस पर जांच बैठ जाएगा, परीक्षा कैंसिल हो सकता है बहुत तरह का, इसलिए क्वेश्चन कभी भी फंसाऊ क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देता है, विशेष करके इसमें तो और चुटपुटिया क्वेश्चन देता है जो आप लोग के सामने है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 4 − 3 × 6 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखना यह है कि पहले आप जान ही रहे कि पहले कोष्ठ के अंदर का हल किया जाता है, उसके बाद ही बाहर का हल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो मुंहजवानी भी बन जाएगा, 3 में से 4 में से 3 घट गया, 1 आ गया, 1 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 आंसर आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर में भी देखिए, ये है 5 नंबर में लिखा हुआ है 8 + यही बड़ा कोष्ठ है, ठीक है ना, 4 × 3 × 4 / 2 + 1, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, फिर से इसको लिख लीजिए यहां पर, 8 + 4, पहले कब देखिए, जोड़ घटाओ गुना भागा, ये तो अल्फाबेट है ना, इसमें जो है कभी भी पहले भागा की क्रिया किया जाता है, ठीक है, उसके बाद गुना का क्रिया किया जाता है, तब जोड़ का तो घटाओ का, ठीक है ना, जोड़ तब घटाओ होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर भागा की क्रिया, पहले यहाँ पर 4 लिख लिए और यहाँ पर जो है हम 3 लिख लिए, गुना भागा करेंगे तो 4 में 2 से भागा करेंगे तो 2 होगा, ये कोष्ठ बंद हो गया, उसके बाद में बड़ा कोष्ठ हो गया, उसके बाद में प्लस 1 हो गया, ठीक है, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर बड़ा कोष्ठ हो गया, फिर 4 हो गया, और 3 × 2 कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब आराम से, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है, यहाँ पर समझिए कि क्या है, यहाँ पर गुना है, ठीक है ना, 8 + 6 = 24 कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 24 + 1, ठीक है, तो 24 × 1 तो 24 × 25, 25 में 8 जोड़िएगा, 8 × 5 = 13, मतलब कि 33 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में नीचे दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि इस तरह अल्फाबेट जोड़ घटाओ गुना भागा एक लाइन में आ जाए, पहले भागा की क्रिया करेंगे, फिर गुना का, तो जोड़ का तो घटाओ का किया जाता है, ठीक है, और अगर कोष्ठ हो छोटा कोष्ठ, तो पहले छोटा कोष्ठ के अंदर का तोड़ेंगे, उसके बाद में फिर हम बड़ा कोष्ठ का, और जोड़ घटाओ गुना भागा में अगर कहीं पर का की मात्रा आ जाए, इतना तो का की पहले प्रक्रिया मतलब हल करेंगे, जहां जो का दिया होगा उसके बाद फिर गुना भागा जो भी है करेंगे, ठीक है, ये सब ध्यान में। तो आप लोग पहले से भी इस बात को आप लोग जानते हैं, विशेष हमको समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर डी नंबर में 33 दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है, ठीक है, तो इसी चाल से वह 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, ठीक है, तो पहले हम इसका चाल निकालेंगे, ठीक है, 300 किलोमीटर 6 घंटा में यह जाता है, ठीक है, तो चाल बराबर होता है, आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय, यानी 300/6, ठीक है, तो 6 × 5 = 30 यानी 50, यानी इसकी चाल कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो आपको 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, तो समय बराबर कितना होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल, तो दूरी है 450, चाल आ गया आपका 50, तो कट गया, 9 × 5 = 45, ठीक है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप लोग पढ़ करके आए हैं, ऐसी चुटपुटिया सब क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि एक दुकानदार ने, यहाँ पर ने होगा, एक दुकानदार ने 450 साड़ियां थी, नहीं मैं ठीक है मैं बात है एक दुकान में 450 साड़ियां थी, इसमें से 36 साड़ियां बिक गई, बताएं कितने प्रतिशत साड़ियां बिक गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितना खपत हो, चाहे वो साड़ी हो या कोई माल ही खपत हो या
कोई भी चीज हो या आम ही पर आए, कितना आम खा गए तो कितना आम खा गए, तो जितना खपत होता है चाहे जो भी चीज हो उसको पहले हम ऊपर रखते हैं प्रतिशत बदलने के लिए, और बांटा कुल, तो कुल कितना है 450, और इसमें 100 से हम गुना कर देते हैं। प्रतिशत निकालने का तरीका यही है, ठीक है। जितना दिया है उतना, मतलब जितना खपत हुआ है उतना, अब बटा मतलब कि कुल गुने 100, ठीक है। तो इसको 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, और 9 5 45 और 9 4 36, ठीक है। और 5 को इससे कटा दीजिए, 5 2 10, ठीक है। तो 4 2 8, देखिए इसमें 8 आंसर कोई शायद नीचे दिया हो, ये तो समझ गए ना, मिटाते हैं इसको। देखिए यहां पर सी नंबर में दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर में 8। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें एपी जीपी निकालने वाला, जो आप लोग इंटर में या 10th क्लास में भी शुरू शुरू में थोड़ा बहुत दिया है, इंटर में तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए श्रेणी ए बी एपी जीपी, तो यहाँ पर देखिए 10 7 3, ठीक है। यह जो है घटते क्रम में है, और यहाँ 30वां पद पूछ रहा है, इस तरह घटते घटते 30 तक नंबरिंग तक जाए तो फिर मतलब अब टर्न ऑफ नंबर कितना, मतलब कि वहां तक जाएगा तो कौन सा मतलब क्या आएगा, यही यह क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना का घट रहा है, तो -3 के यहाँ घटो मतलब घट रहा है, सभी में -3 हो रहा है, 3 घट रहा है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। अब 30वां पद इस्तेमाल, इसमें 3 घट गया तो 7 आ गया, 7 में से 3 घट गया तो 4 आ गया, 4 में से 3 घट गया तो फिर 2, 4 में से 3 घट गया तो 1 आ गया, 1 में से फिर 3 घटेगा तो -2 आ जाएगा, फिर उसमें से -3 घटेगा, इसी तरह करते करते 30वां पद। तो इस तरह घटाने में बहुत कठिनाई होता है, इसलिए इसका सूत्र होता है टीएन मतलब टर्न ऑफ नंबर बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र होता है ए प्लस, याद रखिएगा यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब डिफरेंस, कितना का यह घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए, ए का मतलब प्रथम पद, तो ए कितना है 10 है, प्लस इसको कर दीजिए एन, एन मतलब नंबर, कितना नंबर तक जाना है 30 तक जाना है, तो 30 लिख लिए आई, तो सूत्र वाला माइनस वन है, और गुने डी, डी मतलब डिफरेंस कितना का है, -3 हो रहा है सब में, ठीक है ना, -3 हो रहा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, 10 प्लस, ठीक है, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 29 आएगा, और गुने -3, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर 10 प्लस, इसको जब -3 से हम गुना करेंगे तो 9 3 27 7 3 6 2 8, मतलब कि -87 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, बड़ा का चिन्ह माइनस रहेगा, यानी 87 में से 10 घटेगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं 10 - 87, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -77, ठीक है, जो इस डी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो जहां तक विश्वास है कि यह सूत्र याद रखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह सूत्र आपको याद रखना होगा टर्न ऑफ नंबर वाला, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे बिंदु 2 3 4 के बीच की दूरी, तो ये भी आपको क्या बोलते हैं नाइन्थ कर रहे हैं, 10th और इंटर में इसको पढ़ना है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे, शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो 2 3 इसको, इसमें क्या होता है, x1 x2 और y1 y2 माना जाता है, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, इसको हम क्या मानते हैं x1, ठीक है, और x2 जो है इसको मानेंगे, फिर y1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं y1 कितना हो जाएगा, y1 बराबर 3, y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सूत्र पर सजा देंगे, दूरी निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो रूट के अंदर, रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। इस तरह करके इसको हम लोग इसी पर बैठा करके हल कर लेंगे, और इस पर क्या होता है होल स्क्वायर इसका, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए y2 x2 x2 कितना है 4 माइनस ये कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, y1 कितना है
तीन है तो माइनस तीन का फिर होल स्क्वायर, और इस सब का क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ कोना पर बना सकते हैं नहीं तो मिटा देंगे। ठीक है ना, तो इसको जो है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो टू आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। तो यहाँ टू का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया माइनस, इसको प्लस है बीच में, यानी माइनस टू का, देखिए इसको हटा, इसको मिटाइए दीजिए, इसको याद रखिएगा, हम मिटाते हैं, यहाँ जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, इतना तो आप लिख लिए। अच्छा, यहाँ पर हम रूट दे देते हैं, तो ये हो गया टू का स्क्वायर, और उधर जो है माइनस टू, तीन में से घटल था। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब दो का स्क्वायर कितना हो गया, चार, प्लस ये कितना हो गया, दो दुनी चार, यानी दो गुने दो माइनस दो गुने माइनस दो करेंगे तो चार हो जाएगा, ये चार हो गया। ठीक है, अब ये कितना रूट में आ गया, आठ। अब आठ का फिर बर्मूल तोड़ेंगे, दो गुने दो गुने दो, दो दुनी चार दुनी आठ। ठीक है, अब दो के लिए वो बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू रूट टू। ठीक है, ये देखिए इसमें कहां टू रूट टू दिया है, यानी ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी नौ का ए हो जाएगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, पहले वाला तो आप उतार ही लिए हैं और ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल चुटपुटिया क्वेश्चन है। यहाँ पर 24 प्लस 23, सबसे बड़ी बात इसमें खाली फंसाना ये है कि किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो हो तो वह वन के बराबर उसको माना जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, यहाँ पर दो चार छह आठ दस हजार बारह सौ पंद्रह, कोई भी अंक हो, अगर उसका पावर अगर जीरो है तो उसको वन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो के पावर जीरो है, हम यहाँ पर वन मानेंगे। ठीक है, अब इसको जो है क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, दस नंबर में और क्या है, इसमें लग रहा है कि कुछ है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। ठीक है, यह क्वेश्चन इससे भी इसके इस आधार पर तो आंसर निकलेगा, लेकिन आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, 24 प्लस इसको भी 24 हो जाएगा, 24 तो 24 24 कितना हो जाएगा, 48 इसका आंसर हो गया। लेकिन यहां पर आंसर क्वेश्चन कुछ अलग है। ठीक है ना, टाइपिंग में जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार है, ये तो आप देख ही लिए, क्वेश्चन के हिसाब से तो 48 होगा जो आपके आंसर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका टाइपिंग में गड़बड़ क्या हुआ है कि यहाँ पर 2 का पावर 4 जो दिया हुआ है, यहाँ 4 है, और प्लस 2 का पावर यहाँ जो 3 दिया हुआ है, टाइपिंग में गड़बड़ी है, यहाँ 3 है, और प्लस यहाँ 2 का पावर 0 है, इस टाइप का यह क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप का, तो 2 का हम चार बार करेंगे तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी यह 16 हो जाएगा, प्लस 2 दुनी 4 दुनी यह 8 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 तो यह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 8 24 1 25, इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा जो ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टाइपिंग में गड़बड़ी है, ये कोई क्वेश्चन में जान भी नहीं है, इस तरह का भी रहेगा तो भी आप बना सकते हैं, इस तरह का रहेगा तो भी आप बना सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर मैथ आपका खत्म होता है, मैथ कोई बड़ी मैथ नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को विशेष चिंता करने की बात नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो पहले से आप लोग तैयार किए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर जो मुख्य रूप से आप लोग को पढ़ना है। चलिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, पेंसिल ले लें। मेजर प्लांटी चार्जशीट मोमेरेंडम के साथ कितने अनेक्षर लगाए जाते हैं, तो इसमें जो है मोमेरेंडम में जो है चार अनेक्षर लगाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेलवे कर्मचारी का अनुशासन अपील नियम 1968 किस तारीख को मतलब लागू हुआ है। ठीक है, तो लागू जो है 1 अक्टूबर 1968 को यह लागू हुआ है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1968 को, ठीक है, 1968 को यह लागू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया होगा सी नंबर में दिया है 1 अक्टूबर 1969। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निलंबन के दौरान रेलवे सर्वेंट हकदार होगा, क्या हकदार होगा निलंबन के दौरान। ठीक है, तो कह रहा है कि बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करना, मतलब कि अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं आप, अगर आपके पास उतना जानकारी है तो बचाव पक्ष के रूप में, मतलब बचाव पक्ष के वकील के रूप में आप काम कर सकते हैं, यानी हर चीज का आप जवाब दे सकते हैं वकील के रूप में, अर्थात
अपने आप को बचा सकते हैं अगर उनका आपको आपको उतना जानकारी है तो। इसलिए सही आंसर यही होगा, बचाव पक्ष के वकील के रूप में मतलब कार्य करना, ठीक है, या उसको हक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि उसको जितना भी ऑप्शन दिया अपना मुख्यालय को छोड़ने के लिए या ये सब जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में सी नंबर जो ऑप्शन है वो उसमें आपको हक है कि आप वकील के रूप में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, अनुशासन एवं अपील, अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अधीन जब एक रेल कर्मचारी पर कार्यवाही शुरुआत की जाती है तब कितने प्रकार के मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो यह 11 प्रकार का मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, SF1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के SF11 तक, और 11 में ए और बी है, 11 का एक अलग है, फिर 11 का ए है, ठीक है, 11 का बी है, इस टाइप का। लेकिन मानक फॉर्म जो है 11 प्रकार का ही होगा क्योंकि 11 का ही यह ए बी पार्ट है, ठीक है ना, तो आपका 11 तक होता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डी एंड ए आर वाला जो है आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, हम डी एंड ए आर वाला तो आप लोग को हम पीडीएफ देवे किए हैं, ठीक है, और वीडियो भी बनाए हुए हैं उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ग्यारह में तो आप जान ही रहे हैं कि छोटी शास्ती मतलब चार्जशीट जो माइनर पेलांटी के नाम से जाना जाता है, और वही कह रहे हैं कि बताना ही पड़ जाता है। देखिए लिख ही देते हैं, इस तरह वीडियो लंबे हो जाते हैं। 11 में तो आप जान ही रहे हैं कि 11 में छोटी शास्ती पर बड़ी क्या बोलते हैं, छोटी शास्ती यानी चार्जशीट यानी माइनर पेलांटी का प्रयोग किया जाता है, और 11 के ए में क्या होता है, छोटी शास्ती पर बड़ी शास्ती की कार्रवाई होता है, क्या होता है, छोटी शास्ती पर बड़ी शास्ती की कार्रवाई, छोटी पर बड़ी, ठीक है, छोटी पर बड़ी शास्ती की कार्रवाई होता है, ठीक है। और 11 के बी में जस्ट इसके उल्टा, बड़ी पर छोटी कार्रवाई, ठीक है, यानी परिशिष्ट मतलब हो जाता है, ठीक है। नहीं, एक 11 का सी भी है, नहीं 11 के बी में क्या होता है, 11 के बी में इसका होता है परिशिष्ट, परिशिष्ट, ठीक है। 11 के सी जो है इसमें होता है बड़ी शास्ती पर छोटी शास्ती, ठीक है, यानी बड़ी शास्ती पर छोटी शास्ती की कार्रवाई 11 का सी में होती है, और 11 का ए में होता है छोटी शास्ती पर बड़ी शास्ती की कार्रवाई, ठीक है, और बी में परिविष्ट, मतलब इसमें ज्यादा करके क्वेश्चन आपको यही पूछता है 11 के ए और सी, ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हम मिटाते हैं, ये तो हो गया 15 नंबर। भारत में एक सरकारी कर्मचारी यदि विदेश सेवा में अस्थायी तौर पर लगाया जाता है तब उस पर कौन सा लीव लागू होगा, ठीक है, तो इसमें जो है सीसीएस जो है लीव लागू होगा, ठीक है, सीसीएस 1972 वाला नियम जो है उस पर लागू हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, इसमें जो दिया है, यदि भारत में एक सरकारी कर्मचारी यदि विदेश सेवा में अस्थायी, देखिए यहाँ पर लिखा है अस्थायी तौर पर लगाया जाता है तो उस पर कौन सा नियम मतलब लागू होगा, तो सीसीएस लीव रूल 1972, ठीक है, ये सब रटने वाला है, आप रट सकते हैं, या 1968 वाला जो हम डी एंड ए आर वाला जो पीडीएफ दिए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्या कह रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी को एक समय में एक बार में अधिकतम कितने दिनों का ए लेपी जो है स्वीकृत किया जा सकता है, तो एक बार में जो है 180 दिन का मतलब लीव जो है स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है, तो जेंट्स लोग भी करते हैं लेकिन जेंट्स लोग जो है बहुत कम इसका प्रयोग जो है करते हैं, विशेष करके लेडीज लोग जो है मतलब बच्चा यीशु के समय में वो लोग जो है 180 दिन का मतलब हो गया 6 तिरका 18 यानी 6 माह, ठीक है ना, तो वो लोग लेते हैं एक बार में उतना सीसीएल जो होता है चाइल्ड केयर लीव, उसके अंतर्गत जो है उन लोग को चाइल्ड केयर लीव में जो है टोटल मतलब 730 दिन उन लोग को मिलता है 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना, और इसमें से वो लोग मतलब छुट्टी अपना जैसे 180 दिन का जैसे माइनस करना है, छुट्टी वाला पास पीटीओ जो भेजे हैं पीडीएफ उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है न्यूनतम जो है क्वेश्चन जो आता है मुख्य रूप से न्यूनतम न्यूनतम 5 दिन से कम छुट्टी आप नहीं ले सकते हैं,
न्यूनतम जो है 5 दिन से कम छुट्टी नहीं ले सकते हैं, और एक बार में आप 180 दिन से अधिक छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और कुल टोटल जो है दो बच्चों के लिए 365 365, मतलब आपको 730 दिन का छुट्टी उन लोगों को मिलता है, ठीक है। और न्यूनतम जो है 5 दिन से कम छुट्टी उन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कि सुविधा पास पर बीच में रास्ते में कितने यात्रा विराम स्वीकार्य है, मतलब सुविधा पास जब लिए हैं तो कितना मतलब ब्रेक जर्नी दे सकते हैं, कितना मतलब विराम आप स्वीकार कर सकते हैं, तो अधिकतम जो है 5 है। कितना है अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम है, अधिकतम 5 जगह पर आप विराम मतलब ले सकते हैं, ब्रेक जर्नी जो है हो सकता है। लेकिन आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा कि जैसे आप चाहें, ठीक है, तो उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप चाहें या चाहे हो या चाहा गया हो, ठीक है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर दिया है 2 3 4 5 इस तरह, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है स्वीकार कितना है, तो 5, अधिकतम 5 दिन जैसे आप चाहते हैं, लेकिन 5 से अधिक नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी इच्छा के रूप में, तो अब उसकी इच्छा के रूप में अब 20 जगह करेगा तो 20 जगह थोड़े हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, यानी उसके इच्छा के अनुसार अधिकतम 5 दिन, उसमें 5 मिला रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पास पर यात्रा ब्रेक स्वीकार्य नहीं है, ब्रेक जर्नी जो है मतलब नहीं है, ब्रेक स्वीकार्य नहीं है, कौन सा पास पर, तो ये होता है सेटलमेंट पास। और सवाल उठता है कि सेटलमेंट पास कौन सा पास होता है भाई जिसमें ब्रेक जर्नी स्वीकार नहीं है, तो सेटलमेंट पास जो है रिटायर करने के बाद में जो पास जारी किया जाता है रिटायरमेंट के बाद बूढ़े व्यक्ति को, उन लोगों को सेटलमेंट पास के नाम से जाना जाता है, और सेटलमेंट पास उन लोगों को दिया जाता है, और उन लोगों को ब्रेक जो है स्वीकार नहीं है। इसलिए ब्रेक स्वीकार नहीं है क्योंकि वो लोग बूढ़े व्यक्ति होते हैं, शायद कहीं उतर जाए तो वो वहां पर छूट सकते हैं, या उतरने या चढ़ने में पैर हाथ टूट सकता है, ठीक है। इसलिए उन लोगों को ब्रेक जर्नी का मतलब ब्रेक स्वीकार नहीं है, लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या लिखना है कि बूढ़े व्यक्ति को उतरना चढ़ने में कठिनाई होता है, वहां पर कहीं छूट सकते हैं या उतरने में हाथ पैर टूट सकता है, इसलिए उन लोगों को ब्रेक स्वीकार नहीं है, अर्थात सेटलमेंट पास पर ब्रेक स्वीकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि ऑन ड्यूटी रेलवे अधिकारी को रिजर्वेशन के लिए अधिकतम बर्थ दी जा सकती है, ठीक है, इनको बर्थ जो है कितना दिया जाता है ऑन ड्यूटी रेलवे अधिकारी को, यहाँ पर जो है अधिकारी है, ठीक है ना, ऑन ड्यूटी वाला अधिकारी है, रिजर्वेशन के लिए अधिकतम बर्थ दी जा सकती है, तो उनको 4 बर्थ दिया जाता है। अब कहिएगा कि वो अकेले जा रहे हैं, 4 को बर्थ कथी करेंगे भाई, ठीक है ना, तो वो जो है उनका समान उमान तो होता ही है, लेकिन उनके साथ चाहे उनके पास एक डॉगी हो, डॉगी का मतलब कुत्ता हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन एक उनके पास डॉगी के लिए भी सीट दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास एक डॉग भी होता है, कुत्ता भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उनके उनको 4 बर्थ दिया जाता है, जो तुमको बैठने के लिए और सामान रखने के लिए, एक डॉगी के लिए भी उनको सीट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी को ऊंचे दर्जे के पास कब दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यह रिपीट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ऊंचे दर्जे का मेडिकल ग्राउंड पर दिया जाता है, ठीक है ना, कब दिया जाता है, मेडिकल ग्राउंड पर दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल ग्राउंड पर, मान लेते आप बीमार उमार हो, आपको एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर कर किया जा रहा है हॉस्पिटल से, जहां पर ट्रेन का सफर करना है, उस समय ऊंचे दर्जे का पास आपको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, तो ये तो रनिंग क्वेश्चन है कि ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स जो है 3.5 होता है, और LHB का राइडिंग इंडेक्स 2.5 से अधिकतम 2.75 तक होता है, ठीक है, अधिकतम अगर कहता है तो 2.75, न्यूनतम 2.5, या कहीं कहीं लिख देता है 2.5 से 2.75, या कहीं केवल यही देता है बाकी नहीं देता है, तो भी आप इसको मार सकते हैं, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा, इस जस्ट पीछे वाला टेस्ट में इसके बारे में अच्छे से समझाए थे कि जिनका, उसमें क्वेश्चन आया था कि किसका संख्यात्मक मान अगर घटेगा तो राइडिंग इंडेक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मतलब संख्या का मान घटेगा राइडिंग इंडेक्स का, तो आपको कंफर्टेबल मतलब आरामदेह ज्यादा होगा, ठीक है, और संख्यात्मक मान अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब राइडिंग इंडेक्स ज्यादा है, मतलब आपको हिल डुल जो होता है, धकड़ धकड़ या
गाड़ी हिल डुल करता है, जर्किंग जिसको कहते हैं हम लोग, जर्किंग लगता है, तो उसी को मतलब हम लोग राइडिंग इंडेक्स, उसका कोई माप नहीं। क्वेश्चन ये भी आता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, ठीक है, तो राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होता है, वह कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है, कि यह कितना आरामदेह है, उसका कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो संख्यात्मक मान घटेगा तो आपको कंफर्टेबल आरामदेह ज्यादा होगा, संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो कंफर्टेबल नहीं होगा, अर्थात आपका परेशानी बढ़ेगा। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच का पीओएच माह अंतराल कितना होता है, ठीक है। तो पीओएच आईओएच सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यह दीपावली पर यह क्वेश्चन आप लोग को हम टेस्ट कराए हैं, इसलिए कि दीपावली के दिन थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन रहे तो अच्छा मार्क्स आएगा, तो आप लोग का मन भी खुश रहेगा और दीपावली अच्छे ढंग से आप लोग मनाइएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं क्वेश्चन हार्ड मिल जाए, दीपावली के दिन हंसी खुशी रहता है और नंबर कम आ जाए तो थोड़ा सा मन भी गिर जाएगा ना, इसलिए कि खुशी के त्यौहार में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन जाना चाहिए ताकि आप लोग का मन भी खुश रहे, नंबर भी अच्छा, इसमें नंबर 90 प्लस होना चाहिए आप लोगों को, तब समझे कि हाँ भाई आप लोगों को तैयारी है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथ देखवे किए हैं, नीचे भी सब नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। 22 नंबर में क्या कर रहा है कि आईसीएफ कोच का पीयूएच कितना होता है, ठीक है। तो आईसीएफ का पीयूएच जो है 18 महीना पर होता है और आईयूएच जो है आपको 9 महीना पर होता है, ठीक है। तो आईसीएफ का आईयूएच जो है 9 महीना पर और पीयूएच जो है 18 महीना पर, वही एलएचबी का जो है पीओएच पीरियोडिक ओवर हॉलिंग जो है 18 माह पर होता है और पीओएच 36 हो जाएगा, यह जो है 36 माह पर हो जाएगा और आईओएच जो है 18 महीना पर। कैसे हम लिखे हैं जल्दीबाजी में और लिखा गया कि इसी तरह कभी कभी इस तरह हो जाता है, तो मतलब कि बोला जाता है या हो जाता है, तो आप लोग मतलब कि क्या कहते हैं कॉमेंट आने लगता है, जैसे कि जस्ट पीछे वाला वीडियो में मैं एक तो फिर बाद में ध्यान में आया कि मैंने गलत बोल दिया था, क्या बोलते हैं CTRB का ग्रीस की मात्रा हम जहां बता रहे हैं CTRB में, वो ग्रीस की मात्रा हम बताए हैं क्या 451 ग्राम, जो गलत है, यहाँ पर 51 के जगह पर 55 है, ठीक है। कहने का मतलब दिमाग पर रहता है कुछ और शायद कभी काल बोला जाता है, तो आप लोग भी जान ही रहे हैं कि इतना क्वेश्चन बताया जा रहा है, शायद एक आज को मिस तो होता नहीं, बुलाने का क्या बोल जाता है क्या, ठीक है, जल्दीबाजी के, या इसलिए हम कहते हैं कि हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो 455 ग्राम या जो है ग्रीस का प्रयोग किया जाता है CTRB में, ठीक है, किस में, तो SKF में, ठीक है, SKF में इतना हो जाता है। और एक आता है टीम केन, ठीक है, टीम केन कंपनी का, तो इसमें 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, CTRB में। ये 451 जानते हैं क्या चीज का दिमाग पर उस वक्त आ गया था, यह जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं, एंकर लिंक जो होता है आईसीएफ का एंकर लिंक की लंबाई जो है 451 mm होता है, उस वक्त कौन क्वेश्चन बताए होंगे 451 वाला और दिमाग पर आ गया होगा, बता दिए होंगे, ठीक है। तो यह ध्यान में फिर से आप लोग देख लेंगे, ठीक है, 455 ग्राम होता है एस्केप में और इसमें 350 ग्राम होता है, और आईसीएफ में जो है डबल रो स्पेरिकल रोलर बेयरिंग, तो इसमें जो है एस्केप जो कंपनी होता है आईसीएफ वाला में, तो इसमें जो है 2.5 यानी 2.5 kg के आसपास में ग्रीस लगता है, ठीक है ना। और एक होता है CI टाइप का, तो इसमें जो है आपको 1.75 kg मतलब पौने 2 kg मतलब ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डबल रो स्पेरिकल रोलर बेयरिंग जो होता है यह कंपनी है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए आज जाकर के, जो पिछला वीडियो जो बनाए थे टेस्ट सीरीज क्या है ये 22 है 21 में, तो उसमें आप लोग सुधार सकते हैं। चलिए, तो ये तो पीओएच आईओएच हो गया। 24 नंबर में क्या है कि आईसीएफ कोच में बफर प्लंजर का फेस दाया कितना होता है, ठीक है ना, फेस दाया या पूछ रहा है कि फेस दाया बफर प्लंजर, ठीक है, आईसीएफ में। अब एक गाड़ी है, गाड़ी पर यहाँ पर देखते हैं ना कि यहाँ पर बफर होता है ना, यहाँ पर बफर होता है जो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से मतलब कि यहाँ पर टकराता है ना, ठीक है, तो इसी का फेस दाया या पूछ रहा है, तो फेस दाया जो है 457 mm होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन किया है कि एक ही एंड पर दो बफर बीच की दूरी कितना होता है, इस बफर से इसकी दूरी कितना होता है, तो 1956 mm होता है, कितना होता है 1956 mm होता है एक बफर से दूसरे बफर के बीच की दूरी, ठीक है। और यह बफर का जो फेस दाया जो होता है, फेस दाया कर रहा है, फेस जो है क्या चीज का बना होता है, नीचे क्वेश्चन भी है, तो यह जो है कास्ट स्टील,
कास्ट स्टील का यह बना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कितना हो गया, इसकी दूरी 1956 हो गया और इसकी दाया जो है 457 mm हो गया और यह कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बफर प्लंजर किसका बना होता है, तो कास्ट स्टील आपको डी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना, डी नंबर में दिया हुआ आप देख सकते हैं। 27 नंबर में क्या करें कि आईसीए कोच की वाटर टैंक, देखिए ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन, कहीं आपको 1600 मिलेगा कहीं 1800 मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप जो है 1800 ही मारेंगे, ठीक है। एक भाई मेरे क्वेश्चन किए हुए थे कि एलएचबी कोच में वाटर टैंक की क्षमता कितना होता है, ठीक है, तो एलएचबी जो है, देखिए एलएचबी कोच में जो है अंडर स्लग जो है वाटर टैंक की क्षमता जो है अंडर स्लग यानी अंडर फ्रेम जो आप देखे हुएगा कि दो लंबे लंबे टैंक लगे रहते हैं जो 685 लीटर का यह टैंक होता है, किसमें, एलएचबी में, ठीक है ना, 685 लीटर का ये साथे साथे दोनों टैंक होता है, बड़ा सा एक टैंक होता है दो, तो इस दोनों के लिए एक ही मोटर का प्रयोग किया जाता है, मोटर, ठीक है, मोटर का जो पाइप के सहारे ऊपर जाकर के अपना पानी की पूर्ति करता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक जो होता है पानी कमी होने पर मतलब ऊपर अपना भेजते रहता है, और एक होता है 450 लीटर का टैंक, ठीक है, वो अलग इसका एक टैंक होता है 450 लीटर का, ठीक है, और इमरजेंसी के लिए ऊपर में ओवरहेड एक 30 लीटर का मतलब टैंक होता है, 30 लीटर का, सब हम एलएचबी की बात बता रहे हैं, 30 लीटर का, जो इमरजेंसी मान लेते हैं कि शायद इसमें खराबी आ जाए या पानी खत्म हो जाए या कुछ, मतलब इमरजेंसी के लिए 30 लीटर का एक टैंक होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि एलएचबी कोच में कितने प्रकार के, कितना नहीं, कितने प्रकार के टैंक लगा रहता है, तो 650 लीटर वाला एक प्रकार हो गया, 450 लीटर वाला ये दूसरा प्रकार हो गया, और तीसरा जो है 330 लीटर वाला, तीन प्रकार के मतलब टैंक लगा रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर एलएचबी में क्वेश्चन आपको आ जाए कि 650 लीटर का कितने टैंक लगे रहते हैं या एलएचबी में कितने वाटर टैंक की क्षमता जो है अंडर स्लग कितने होते हैं, तो 650 लीटर ही रहेगा, 450 नहीं रहेगा क्योंकि ये भी अंडर ही रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाए कि एलएचबी कोच में कितना वाटर टैंक की क्षमता मतलब है और 650 30 लीटर का ऑप्शन में रही रहे और यहाँ आईसीएफ के जगह पर, यहाँ पर आई छूट गया ना, आईसीएफ के जगह पर एलएचबी रहता है यहाँ पर, कि एलएचबी कोच में वाटर टैंक की क्षमता कितना होता है, और इस टाइप का अगर ऑप्शन आ जाए तो 1800 ही मारिएगा और आईसीएफ में भी 1800 ही मारिएगा, ठीक है, लेकिन इस टाइप का एलएचबी में नहीं आता है, ठीक है ना। एलएचबी में जब ही आएगा तो आपको जैसे हम बताए हैं 650 लीटर वाला या 450, या लिखेगा कि इमरजेंसी के लिए एलएचबी कोच में कितने लीटर का या मतलब कि क्या बोलते हैं वाटर टैंक लगाए गए हैं इमरजेंसी के लिए, तो 30 लीटर आप मारिएगा, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, अगर आता है शायद कि एलएचबी कुछ में वाटर टैंक की क्षमता कितना होता है, इस तरह का ऑप्शन है तो 1800 मारिएगा, लेकिन इस टाइप से नहीं आता है और आईसीएफ का भी 1800 होगा, क्योंकि आईसीएफ में जानबे करते हैं कि कोच होता है तो चारों कोनों पर टैंक लगे रहते हैं, तो 450 लीटर, 4×16 = 18 मतलब ये हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए जहां तक विश्वास है कि समझ गए, पैसेंजर कोच में होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता, देखिए अब यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन है कि पैसेंजर कोच में, तो पैसेंजर कोच में यहाँ पर देखिए 6 लीटर होगा, अब यह इंडिकेट नहीं किया है इसमें कि यह पैसेंजर कोच आईसीएफ है कि एलएचबी है, ठीक है, तो एलएचबी के लिए 6 लीटर होता है, ठीक है। और थ्योरी में, अगर थ्योरी में आप पढ़िएगा थ्योरी में कि आईसीएफ के लिए सीआर मतलब कि कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो थ्योरी में जब पढ़िएगा अर्थात बुक में पढ़िएगा सीएनडब्ल्यू का कोई भी, तो उसमें आपको 9 लीटर मिलेगा, ठीक है, 9 लीटर मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में जो है क्या बोलते हैं, जहां जितना भी सेट दिया हुआ है जहां पर चेक होता है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसमें सारे में मतलब कि 6 लीटर ही आजकल चेक हो रहा है, लेकिन मैं दोनों बात इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पर आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। एलएचबी में तो 6 लीटर होता है, वैगन जितने भी है गुड्स वाला उसमें भी 6 लीटर का होता है गुड्स वाला में भी, लेकिन आईसीएफ में जब किताब यानी बुक पढ़ेंगे तो उसमें 9 लीटर लिखा है, लेकिन जब एग्जाम वाला जितने भी सेट है या पीडीएफ है उसमें सारे के सारे में 6 लीटर दिया हुआ है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे मारिएगा, लेकिन एग्जाम में 6 लीटर चेक होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो आपको इच्छा आपके हिसाब से मारिएगा,
चलिए 9 लीटर 29 नंबर। आईसीएफ एक्सल जनरल टेपर अनुमेय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ठीक है। आईसीएफ का एक्सल जनरल टेपर अनुमेय, जनरल समझ रहे हैं ना, मान लेते हैं कि यह एक क्या है, एक्सल, ठीक है। तो एक्सल के देखते हैं कि अंत में जो है थोड़ा सा ऊंचा होता है, फिर थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे होकर के ऐसे होता है, ठीक है। जो यहां पर चक्का रहता है, ठीक है ना, व्हील रहता है, और यहां पर जो थोड़ा सा टेपर रहता है, ठीक है ना, तो इसी टेपर के बारे में यह पूछ रहा है, इसी को हम लोग जनरल कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, ठीक है। तो इसी का वह कह रहा है कि टेपर अनुमेय जो है कितना है, तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा 0.015 से 0.01, ठीक है। तो इसमें देखिए ये भी दिया है 10 आगे दिया है 15, मतलब 10 आगे 15 पीछे, 10 इसमें 15 आगे 10 पीछे, तो आप ध्यान में हमेशा रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, और जल्दी में मही नहीं मारिएगा इसका जब यह क्वेश्चन आ जाए, और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता भी है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि ज्यादा अंक जो दिया है वो आगे है और 10 पीछे है, यह याद करने का तरीका आपको हम बताते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 10-15 तो ऑप्शन में है, देखिए ये भी है आगे पीछे किया है, आपको कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि आपको 10-15 तो याद रहेगा, लेकिन ये नहीं ध्यान में रहेगा कि आगे कौन है, पहले 10 है या 15 है, ठीक है। तो पहले 15 वाला आगे है, 10 पीछे है, समझ गए ना, यानी 0.015 से 0.010, मतलब mm, इसमें mm है, ठीक है ना, mm लगा हुआ है, mm इसका टेपर होता है, यानी 15 वाला अलग रहे आगे रहेगा, ध्यान में रखेंगे, यही याद करने का तरीका है, ठीक है। तो इस टाइप से रहता है, आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, कोच के बफर की रेल सतह से न्यूनतम ऊंचाई, ये तो भी चुटपुटिया क्वेश्चन है, मैं फिर कहूंगा कि इसमें जो है 90 से आपको कम नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो आप जान ही रहे हैं कि यह न्यूनतम ऊंचाई दिया है या अधिकतम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है न्यूनतम पूछता है, ठीक है। तो न्यूनतम फिर से मैं बता दूं, न्यूनतम जो है, हाँ यहाँ पर अधिकतम पहले बताते तो अच्छा रहता, ठीक है, अधिकतम जो है 1105 होता है, और न्यूनतम जो है 1030 होता है, दोनों को घटाने पर 75 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम 1030 हो जाता है, ये अधिकतम है, तो दोनों को घटाने पर आपको 75 mm आता है। मैं 75 इसको घटाकर क्यों बताया हूँ, क्योंकि कह रहा है बफर, कोच के बफर रेल सतह से न्यूनतम ऊंचाई। तो जिसे मान लेते हैं कि यह आपका गाड़ी हो गया, यहाँ एक गाड़ी है और यहाँ पर एक बफर है, तो यह मान लेते हैं इसका 10-30 हो गया और इसका 1105 हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यह हाइट है, इसका डाउन है, तो यह दोनों को जब घटाएंगे तो इसमें बीच में, कहने का तात्पर्य है कि यह जो है या दोनों के बीच का अंतर जो है 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि दोनों बफर के बीच में कितना mm से अंतर, हाइट में मतलब अंतर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 31, एसी कोच में प्रयुक्त चक्कों का एक्सल लोड क्षमता, एसी के लिए पूछा है, ठीक है। तो एसी के लिए आपको 16.3 टन हो जाता है, ठीक है, और नॉन एसी के लिए, यहाँ पर 3 दिया हुआ है लेकिन 13 टन होता है, ठीक है, नॉन एसी के लिए हो जाता है 13 टन, ठीक है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं लगभग जो तैयारी करते हैं, लेकिन इसमें एक मुख्य क्वेश्चन पूछता है क्या, कि एक्सल जो है, एक्सल के मध्य में कितना, मतलब कि कुल वेट का, मतलब वजन जितना भी, मतलब क्या बोलते हैं, पूछता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोच का, मतलब कि कोच का जितना भी वजन है उस कुल वजन का कितना परसेंट जो है एक्सल के मध्य में वजन पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10%, याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आपको नहीं मिलेगा पीडीएफ में या वीडियो में, जल्दी से नहीं मिलेगा, इसको लिख लेंगे फ्रंट पेज पे। हम बोलता हूँ कि जो फ्रंट पेज हो, जो क्वेश्चन नया हो या कभी बहुत कम मिलता हो या इंपॉर्टेंट हो, वैसे क्वेश्चन को फ्रंट पेज पर लिख ले, ताकि हमेशा आँख के सामने से गुजरता रहे, ठीक है। तो यह होता है, यानी कोच के कुल लोड का एक्सल के मध्य में 10% वजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि अलार्म चैन टेस्टिंग कितना केजी पर किया जाता है, ये भी आप लोग सब रनिंग क्वेश्चन इसमें है, रनिंग क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं कि रनिंग इसमें कोई मजा वाला क्वेश्चन है, ये नहीं है जिसमें थोड़ा सोचने का मतलब मौका मिले, ठीक है। तो सोचने का, तो अलार्म चैन टेस्टिंग के लिए जो है 7 से 10 केजी इसमें, मतलब कि
क्या होता है वजन मतलब प्रेशर दिया जाता है। तो इसमें देखिए 10 दिया हुआ है, अगर न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम पूछता है तो आपको तो 7 केजी होगा। चलिए सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें जो है अलार्म चैन के टेस्टिंग के लिए 7 से 10 केजी जो है हम लोग फोर्स जो है लगाते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम कितना, तो 7 केजी, और अधिकतम पूछता है तो 10 केजी, लेकिन यहाँ पर 7 10 केवल 10 ही दिया है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर, डीसीपी टाइप मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो है अग्निशामक यंत्र किस प्रकार की आग बुझाने में सक्षम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यह रिपीट होता है। ठीक है, तो यह सभी प्रकार के आग मतलब कि डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, मतलब एबीसीडी जितने भी ई टाइप यानी 5 टाइप के जो आग जो होते हैं, वो सभी प्रकार के आग को बुझाने में यह जो है सक्षम होता है डीसीपी टाइप। ठीक है, तो डीसीपी इसका फुल फॉर्म हो जाता है ड्राई केमिकल पाउडर। इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ड्राई केमिकल पाउडर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछता है कि इसको रिफिल कब किया जाता है, फिर से कब भरा जाता है। ठीक है, तो यह फिर से कब भरा जाता है, फिर से तो यह 1 साल पर भरा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, 1 साल पर फिर से रिफिल किया जाता है, भरा जाता है। लेकिन आप कहिए कि नहीं सर हम तो 3 महीना देखे हैं, तो 3 महीना जो दिया होता है वह क्वार्टरली जिसको हम बोलते हैं, इसको 3 माह पर क्या होता है चेक किया जाता है। 3-3 माह पर हम लोग इसको चेक करते रहते हैं, लेकिन उसमें पाउडर जो है रिफिल फिर से कब भरते हैं, तो 1 साल पर, 1 ईयर पर भरते हैं। ठीक है, 1 साल पर उसको भरा जाता है, और हर एक 3 महीना पर जो है उसको चेक करते रहते हैं डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर को। ठीक है, और ड्राई केमिकल पाउडर इसका फुल फॉर्म हो गया। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए 34 नंबर में क्या कह रहा है कि फिएट बोगी में 10 डिग्री के वक्र पर कितना किलोमीटर प्रति घंटा से घूमता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 10 डिग्री के कर्व पर अगर घूमेगा तो वह जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह घूमता है। ठीक है, कितना, 60 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब जो है चुटपुटिया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें अच्छा बार बार कह रहे हैं कि अच्छा नंबर आना चाहिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर आप मतलब कि कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इस वीडियो का PDF या LDCJEEWM के तैयारी के लिए PDF कैसे आपको प्राप्त होगा, मैं वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए करा कि एक कैटेगरी डिपो की CC रैक की BPC की वैधता। देखिए BPC यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ठीक है, BPC का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। सीसी रेक के लिए कितना होता है, तो ये होता है 6000 किलोमीटर उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का वैलिड होता है सीसी रेक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाई स्पीड कोच का ए डायमेंशन कितना होता है। ठीक है, ए डायमेंशन हाई स्पीड के लिए पूछ रहा है, तो हाई स्पीड के लिए होता है 22 + 2 - 0। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो है मतलब डी हो जाएगा, नॉन ऑफ डीज। ठीक है, नॉन ऑफ डीज। कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है 22 हाई स्पीड के लिए, मेल एक्सप्रेस के लिए याद देता है, और हाई स्पीड के लिए +2 नहीं +4 - 0। ठीक है, तो इस हिसाब से चले तो अभी आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अधिकांश तो देखिए यहां पर दिया हाई स्पीड के लिए। ठीक है, तो हाई स्पीड के लिए मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, और ये हो गया मेल एक्सप्रेस के लिए। ठीक है, मेल एक्सप्रेस के लिए और हाई स्पीड के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि यह कौन सा क्या है, तो हाई स्पीड के लिए और मेल एक्सप्रेस के लिए, लेकिन ज्यादा करके यही क्वेश्चन पूछता है, यही आंसर होता है, मेल एक्सप्रेस का ही पूछता है। यहां पर हाई स्पीड का पूछा है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ELSB कोच में बियरिंग प्रयुक्त होता है, तो अभी हमने बताया ऊपर। ठीक है, बियरिंग जो है CTRB का प्रयोग किया जाता है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, जिसमें अभी हमने बताया कि दो कंपनी का टिमकेन एंड एस्केप कंपनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एस्केप में जो है, अभी ऊपर हमने पूरा डिटेल में आपको अभी बताए हैं, आप नहीं देखे तो वीडियो को बैक करके देख लें। एस्केप में जो है 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, और टिमकेन वाला में आपको 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
हाँ, इसका फुल फॉर्म हो जाता है पार्टी स्टेपर रोलर बेयरिंग, जो एलएचबी अर्थात फिएट बोगी में प्रयोग किया जाता है। और जैसे मेडिकल वैन की स्पीड कितना होता है, तो मेडिकल वैन का स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, ये रट लीजिएगा, यह क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, एलएचबी कोच के पीएवी का चोक दया कितना होता है। ठीक है, तो इसकी एलएचबी कोच में अगर पीएवी का चोक दया अगर पूछता है तो 19 होगा, और ये जो 8 दिया है आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है, आईसीएफ के लिए अगर पूछता है, आईसीएफ के लिए तो 8 एमएम लिखिएगा, मारिएगा, और एलएचबी के लिए 19 एमएम मारिएगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि दोनों आपको लिखिएगा जरूर, आपको हर एक वीडियो में मैं समझाता हूं कि लिखने से क्या होता है ये संबंधित क्वेश्चन, कि वहां आपको क्वेश्चन याद हो जाता है। जब भी ये क्वेश्चन खोजिएगा एलएचबी के लिए, आपको आईसीएफ का भी दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन याद है तो भी आप लिखिए, कहने का मतलब ये ना कि हमको सर क्या बोलते हैं 19 वाला हमको याद है, चाहे आ रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 8 वाला हमको याद है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद है। ठीक है, लेकिन जब शायद 1-2-3 महीना 6 महीना एग्जाम खत्म होने के बाद शायद आपका रिजल्ट नहीं हुआ और फिर उसके बाद में आपको पढ़ने का मौका मिले, तब तक निश्चित है कि एक क्वेश्चन मिस्टेक कर गया रहेगा, तो उस वक्त वहां पर आप देखिएगा दोबारा एग्जाम, शायद आप एग्जाम में ना निकले, ऐसा ना हो कि आप ना निकले, मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग निकले, लेकिन शायद उस तरह हो जाए तो एक साथ लिखने से फायदा रहता है। ठीक है, और कभी भी लिखे तो क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने ब्लू कलम से लिखा तो नोट करके या दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं तो यहाँ पर रेड कलम से या ब्लैक कलम से अपना लिख ले, कलर चेंज करके, देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का अधिकतम व्यास, एलएचबी कोच के एक्सल माउंटेड डिस्क का मतलब पूछ रहा है दया कितना होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में, तो इसके बारे में तो हर एक वीडियो में तो सेट में तो ये क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं डिस्क के बारे में आपको डिटेल रूप में। जैसे पहले हम यहां पर एक्सल बना देते हैं, ठीक है, और यहां पर एक डिस्क लगा देते हैं, एक्सल को और थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर हम एक चक्का लगा देते हैं। ठीक है, ये जो है आपका डिस्क हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि एलएचबी कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का अधिकतम व्यास कितना होता है, या व्यास पूछ रहा है इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास। ठीक है, तो इसका व्यास जो है 640 एमएम होता है। ठीक है, और इसकी मोटाई कितना होता है, तो मोटाई जो है 110 एमएम होता है। कितना होता है, 110 एमएम होता है, ध्यान में रखिएगा, सारा के सारा क्वेश्चन आप लिखना होगा, आपको जरूर लिख लीजिएगा। और मोटाई जो 110 एमएम होता है, और इसमें जो फिंस जो लगा रहता है, या किसके लिए लगा रहता है क्वेश्चन आता है, तो इसमें फिंस जो है कूलिंग के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा, इसमें फिंस जो लगे रहते हैं किस लिए लगाए रहते हैं, तो डिस्क की कूलिंग के लिए लगाए रहते हैं। ठीक है, और आपका हो गया दया 640 और मोटाई 110, और ये जो लगा है फिंस जो है कूलिंग के लिए, तीन क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए कि यह ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया, और पांचवा क्वेश्चन आप लिखिए कि एक डिस्क से दूसरे डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1030 एमएम होता है। कितना होता है, 1030 एमएम होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्क से व्हील के इनर फेस से डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो 175 एमएम होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, इसमें आपका 5-7 क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, इसको सारे के सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि टाइम लग रहा है या पेज खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, ये नहीं सोचिए कि हमको याद है हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आप अभी हम बताए कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, पढ़ाई बीच में गैप हो जाएगी, फिर बाद में आप देखिएगा तो सारा क्वेश्चन जो खोजिएगा क्वेश्चन वही केवल मिलेगा, लेकिन लिखे रहेगा तो सारा क्वेश्चन मिलेगा। सॉरी, चलिए 41 में क्या कह रहा है कि बीबीजेडआई का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो बीबीजेडआई का पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 एमएम होता है। क्यों 32 एमएम होता है, क्वेश्चन उठ जाता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अगर मतलब कि बात आपको फंस जाए तो हमेशा क्यों कैसे जरूर लगाइए। ठीक है, तो आप जाकर के जल्दी शोर तक जाइएगा। ठीक है ना,
तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें पिस्टन स्ट्रोक 32 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं कि BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में नहीं, BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का जो है जो ICF में प्रयोग किए जाते हैं ट्रॉली, उसमें सिलेंडर जो लगा रहता है BMBC लगा रहता है और उसका स्ट्रोक जो है 32 mm होता है, ठीक है। और वही ट्राली BVZI में लगा रहता है, इसलिए इसका 32 mm आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंग स्टॉक, देखिए यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा कोचिंग स्टॉक लिखा है यहाँ पर चंग, यह सब टाइपिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है तो इसके लिए आप लोग तो खुदे चलाक है भाई। यहाँ कोचिंग हो गया, यहाँ को छूट गया है, ठीक है। कोचिंग स्टॉक का MLR कितने वर्षों पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर को छूट गया है, कोचिंग है, यहाँ कोचिंग स्टॉक, ठीक है। तो कोचिंग स्टॉक का MLR वर्षों के अंतराल पर किया कितने, तो देखिए बहुत जगह जो है आपको मिलेगा 15 से 18 वर्ष, ठीक है, बहुत जगह देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा देखने को मिलेगा ई वाला, ठीक है, 12 से 15 वर्ष। तो सही आंसर जो है 12 से 15 वर्ष है, ठीक है। सही आंसर क्या है? 12 से 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछता है, ठीक है। कोचिंग स्टॉक का MLR जो है कब करते हैं, तो 12 से 15 वर्ष के बीच में हम लोग करते हैं, यही इसका सही आंसर है। 15 से 18 वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। और इसी आधार पर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि एसी कोच का कीट नियंत्रण कितने अंतराल पर किया जाता है, तो यह 15 दिन पर किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है लगभग, और ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो यह MLR अगर आ जाएगा तो 12 से 15 दिन ईयर पर और 15 डे पर क्या होता है, कीट नियंत्रण होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कीट नियंत्रण, तो 15 दिन पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बीपी में होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल्डिंग कैपेसिटी कितना होता है, तो प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन में नीचे देखिए दिया होगा सी नंबर में जो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% आप लिखेंगे, प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर हम यहाँ BM लिख देते हैं, BM बोर्ड मॉडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नहीं मिलता है, और इसमें ज्यादा करके मेरे भाई मेरे दोस्त जो है कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आज इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। क्या लिखा है कि WGA CM में एक्सल बॉक्स और बोगी के बीच क्राउन क्लीयरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्राउन क्लीयरेंस ए, क्राउन क्लीयरेंस बी, ठीक है। तो यह इसको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के बीच के क्लीयरेंस को क्या कहते हैं, तो ए क्लीयरेंस कहते हैं, ठीक है ना। और बी क्लीयरेंस जो है आपका बोलिस्टर और मतलब बोगी फ्रेम के बीच में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सल है, तो एक्सल बॉक्स और उसके बीच के क्राउन क्लीयरेंस ए होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्लीयरेंस या ए डायमेंशन भी होता है, आपको ए डायमेंशन में तो बताइए कि ये +2 -0 होता है, ठीक है। तो आपका जो था W, हम यहाँ पर सब लिख देते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पर, देखिए लिखते हैं, लिख लीजिएगा GS SCN, देखिए WCB WGS RJ, ठीक है, WGS GS CZ जे, जितना हम बताए इसका जो है मतलब ए डायमेंशन या क्राउन क्लीयरेंस, इसको क्राउन क्लीयरेंस बोलिए, इसका होता है 45 ± 3। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सब मैं लिखूंगा, इसमें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह एक नंबर हो गया, ठीक है। दो नंबर, देखिए एक नंबर लिख लीजिए, तब फिर इसे मिटाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लीजिएगा, ठीक है ना। जो भाई मेरे PDF लिए हैं वो 100% रट लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया एक नंबर में, अब दो नंबर में हम चलते हैं। दो नंबर में SLR और SDC, इसका क्राउन क्लीयरेंस ये कितना होता है, तो 48
प्लस माइनस तीन, ठीक है। दो नंबर हो गया, चलिए अब मैं तीन नंबर लिखूंगा। तीन नंबर लिखते रहिएगा, डब्ल्यू एफ ए सी, वेजिटेबल फर्स्ट क्लास ए सी है, ठीक है। नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कोड वाला हमारा जो है डायमेंशन वाला वीडियो या पीडीएफ जो है जाकर देख लेंगे, उसमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन कोड रोज रोज ट्रांसपोर्टेशन कोड बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कोड मैं केवल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यह ट्रांसपोर्टेशन कोड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू एफ ए सी, वेजिटेबल फर्स्ट क्लास ए सी, और फिर डब्ल्यू ए सी सी डब्ल्यू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी डब्ल्यू का मतलब टू टायर, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में आ जाइए, तो एक हो गया, और डब्ल्यू सी बी ए सी, ठीक है, डब्ल्यू सी बी ए सी यानी पेंट्री कार हो गया, ठीक है ना। तो इसका इसका कितना होता है, ध्यान में रखेंगे, ये जितना भी हमने बताया ये सबका हो जाता है 25 प्लस माइनस तीन, ध्यान में रखेंगे। वेजिटेबल फर्स्ट क्लास ए सी, वेजिटेबल टू टायर, वेजिटेबल ए सी टू टायर, वेजिटेबल मतलब डब्ल्यू सी बी जानवे करते हैं, तो ये सबका 25 हो गया। आप ट्रांसपोर्टेशन कोड में आप सब इसका देख लीजिएगा कौन चीज का क्या है, ठीक है। तो ए हो गया, ठीक है। अब इसमें अभी आपका आंसर नहीं मिला है, देखिए इसमें आपका ये नहीं है, ठीक है, अब मिटा देते हैं। अब चार नंबर में चलते हैं, ठीक है, चार नंबर में इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं अपने नोट्स से मैं बता रहा हूँ जो मैंने कभी याद किया था, जो ज्यादा पूछता है, डब्ल्यू ए सी सी एन, यानी डब्ल्यू ए सी सी एन या थ्री टायर है। देखिए उसमें थ्री टायर नहीं था, डब्ल्यू एफ ए सी, डब्ल्यू ए सी 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 डब्ल्यू और डब्ल्यू सी बी ए सी, ठीक है। तो लेकिन उसमें थ्री टायर नहीं होगा, ज्यादा करके क्वेश्चन यही पूछता है कि वेजिटेबल ए सी थ्री टायर का एक क्लियरेंस कितना होता है, ठीक है, क्योंकि ए सी थ्री टायर का हर चीज अलग ढंग का होता है, ठीक है ना। तो इसका होता है, याद रखिएगा, 34 प्लस माइनस तीन, 34 प्लस माइनस तीन, जो आपके इसमें भी नहीं है, ठीक है। W का लिखा है W ए सी, इसमें G लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया चार नंबर, अब चलते हैं पांच नंबर में, पांच नंबर में, ठीक है। कैसे लिखिएगा आप सबका, मतलब जैसे एक दो तीन चार मैंने कैसे लिखा है, तो उसी तरह बना करके सारणी ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। सारणी बना करके एक दो तीन चार करके और उसके सामने लिख करके इधर जो क्लियरेंस वाला जो लिखना है लिख लीजिएगा, इस टाइप से लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए पांच नंबर वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पांच नंबर वाला, ठीक है। देखिए हम लिखते हैं डब्ल्यू जी एफ ए सी, एक तो ई हो गया, ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू जी ए सी डब्ल्यू, ठीक है, ए सी सी डब्ल्यू। उसके बाद में यहां नीचे आते हैं डब्ल्यू जी ए डब्ल्यू ए सी सी एन, ठीक है, जी है भैया, डब्ल्यू जी ए सी सी एन, ठीक है, एक ठो ई हो गया। फिर उसके बाद में लिख लीजिए डब्ल्यू जी एस सी जेड ए सी, सी है, एक ठो ई हो गया। उसके बाद में आ जाइए डब्ल्यू जी एफ एस है, एस सी जेड ए सी, एक तो ई हो गया। उसके बाद में आ जाइए डब्ल्यू जी एफ ए सी सी डब्ल्यू, एक तो ई हो गया। और आ जाइए डब्ल्यू जी एस सी जेड ए सी जे, जे है मेरे भैया जे, ठीक है ना। तो ये सब का जितना मैंने लिखा टोटल, ये वाला से लेकर कि सब जितना भी मैंने लिखा, इस सब का जो है क्राउन क्लियरेंस कितना होता है, ये जितना भी लिखा इस सभी का क्राउन क्लियरेंस हम किधर लिख दे फ्रेश में, इधर तो जगह है नहीं, यहां लिख देते हैं 36 प्लस माइनस तीन। तो इसमें आपका यह क्वेश्चन मिल जाएगा डब्ल्यू जी सी डब्ल्यू, देखिए इसमें कहां दिया है,
यहां पर दिया है, डब्ल्यू जी ए सी सी डब्ल्यू यानी यहां दिया हुआ है, ठीक है ना। और डब्ल्यू जी सी एन कहां दिया है, डब्ल्यू जी सी एन यानी यहां पर दिया हुआ है जो आपके क्वेश्चन में यहां पर, ठीक है। तो इस सबका कितना होता है 36 प्लस माइनस 3, जो आपके इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, जितना क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन ही है, समझिए, जितना कोमा के बाद दिया हुआ है, ऊपर जो मैंने बताया वो अलग है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये तो डायमेंशन हो गया, डायमेंशन क्या बोलते हैं, क्राउन क्लियरेंस ए, और ए डायमेंशन तो आप जान ही रहे हैं कि ए डायमेंशन होता है 22 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है। अब डायमेंशन बी जो है, बी डायमेंशन कितना होता है जो है, या क्राउन क्लियरेंस भी इसको बोल सकते हैं, ए जो है सारे के सारे में बी कितना होता है, तो इसमें होता है 40 प्लस माइनस 3 mm जो है, ये किसके लिए है, राजधानी, राजधानी और शताब्दी के लिए, ठीक है, राजधानी और शताब्दी, शताब्दी के लिए, ठीक है। ये 40 होता है क्राउन क्लियरेंस बी, और जनरल मतलब अन्य कोच के लिए होता है कितना, सभी कोच के लिए 45 प्लस माइनस 5, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, या mm में होता है, ध्यान में रखेंगे। राजधानी और शताब्दी के लिए 40 प्लस माइनस 3, और इसको छोड़कर के बाकी जितने भी कोच है, चाहे वो जनरल हो, एसी हो, कोई भी कोच हो, सभी के लिए क्राउन क्लियरेंस बी या बी डायमेंशन जो है आपको 45 प्लस माइनस 5 होता है, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डायमेंशन सी, ए डायमेंशन हो गया, बी डायमेंशन हो गया, और डायमेंशन सी, हम डॉक्टर नहीं लिखे हैं, डायमेंशन लिखे हैं, ध्यान में रखिएगा। डायमेंशन सी जो है, ट्रॉली फ्रेम के ऊपर बॉडी बोलिस्टर के मध्य दूरी जो होता है, ट्रॉली फ्रेम के ऊपर और बॉडी बोलिस्टर के मध्य जो होता है, उसी को हम डायमेंशन सी कहते हैं। तो ये सभी के लिए होता है 70 प्लस माइनस 3, ये क्या है, डायमेंशन, यहाँ पर सी डायमेंशन लिख देते हैं, सी डायमेंशन, या सी डायमेंशन आगे। देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है, लगभग, शायद इसमें से जो दिमाग पर नहीं आया होगा, मतलब छूट गया होगा, ठीक है, लगभग में तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। वीडियो तो बड़ी लंबा हो गया मेरे भाई, फिर भी चलते हैं। एसीपी के बाद इसको रिसेट कहां से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो गया, इतना छीट छीट करके कौन बताएगा, डी नंबर में। तो पीईएसडी यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पीईएसडी यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, एसीपी होने के बाद में रिसेट कहां से किए जाते हैं, तो पीईएसडी से, ठीक है। और कहीं कहीं इसी का आंसर दे देता है कि वहां से जहां से चैन खींचा गया था, तो वो भी उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रहे तो इसका आंसर दे दीजिए। 47 में सीडीटीएस आप क्या समझते हैं, तो सीडीटीएस का मतलब हो जाता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, बी नंबर में आंसर में दिया हुआ है, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। मैं अब थोड़ा तेजी से निकलूंगा भाई, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया। 48 में नियत प्रेशर आने पर एयर स्प्रिंग का लीवर पोजीशन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यह बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। नियत प्रेशर आने, प्रेशर जब आ जाता है तो एयर स्प्रिंग का जो मतलब लीवर जो होता है, यहाँ पर एयर स्प्रिंग होता है, यहाँ पर जो पाइप लगा रहता है, यहीं पर जो है एक लीवर लगा रहता है, ठीक है, स्प्रिंग वाल्व लीवर, ठीक है। तो इसका जो है हैंडल जो है पाइप के जो है समानांतर होता है, कैसा होता है, पाइप के समानांतर होता है, जो बी नंबर में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या एयर स्प्रिंग हो गया, यहाँ पर जो पाइप जाता है उस पर यहाँ पर लीवर जो रेड कलर में जो देखिए लगा होगा, तो उसका हैंडल यहाँ पर रेड कलर का पहनाया रहता है, या पाइप के समानांतर होगा जब नियत प्रेशर आ जाएगा, अर्थात ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोज पोजीशन में, ठीक है, क्लोज कर रहा है खुली स्थिति में, खुली स्थिति का मतलब है कि हवा जब खुला रहता है तो उसमें यह जो है समानांतर पोजीशन में होता है, इसको घुमा देंगे वर्टिकल या परपेंडिकुलर तो जाकर के यह क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। स्प्रिंग बोगी में लोअर फ्लैंक और अपर फ्लैंक के बीच की यह मतलब यह पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि यह स्प्रिंग हो गया, आप देखते हैं कि यहाँ पर एक कवर लगा रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है चरखुट्टा जो है एक ठो लगा, जिसमें यहाँ पर नोट बल कस के टाइट करते हैं, तो इसका जो है जहां पर फ्लैंक के बीच की दूरी पूछ रहा है, इसका ना कि यहाँ का ना यहाँ वाला, तो यह 255 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, कितना 255 mm है यहाँ पर, ठीक है ना। आंसर एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए राइडिंग इंडेक्स 2.75 यानी 2.5 से 2.75 तक होता है, ठीक है ना,
2.75 तक होता है। एमएम यहां पर 50 क्लियर होता है, फिर भी देख लेते हैं इस पेज में। अकाउंट में देखिए एलएसबी कोच के फी भी का चुक दया कितना होता है, 19 में मैंने ऊपर भी बताया है एलएसबी कोच का, और आईसीएफ का 8 हो जाएगा। 52 नंबर में देखिए एलएचबी कोच में कौन सा कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एलएचबी कोच में जो है एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग, एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग, सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। सेंटर माने बीचों बीच, ठीक है, सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है एच टाइप, उसमें एंटी क्लाइंबिंग होता है जो एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ नहीं चढ़ता है एक्सीडेंट के समय में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एच टाइप सीबीसी से क्या फायदे हैं, तो उसमें एंटी क्लाइंबिंग मतलब दिया गया है जो एक कोच दूसरे कोच पर एक्सीडेंट के समय नहीं चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी कोच के प्रयुक्त चक्कों की एक्सल लोड क्षमता, एसी कोच के प्रयुक्त चक्कों का लोड क्षमता तो हम ऊपर भी बताए हैं, यहाँ पर 16.3 है, ठीक है। चलिए इसी पेज तक रहने देंगे, पार्ट वन में, पार्ट टू में मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ आईएलटीएस सीजेईई डब्ल्यूएम की तैयारी के लिए, अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप मुझसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके, कृपया करके फोन नहीं करेंगे, मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आईसीएफ एलएचबी डीएमओ मेमो वंदे भारत, ठीक है, वैगन डिपार्टमेंटल आईसीएफ, आईसीएफ क्या करें डिपार्टमेंटल जो है इंसेंटिव, और क्या बोलते हैं पास पीटीओ राजभाषा बी एंड आर 1900 मतलब रूल जो था 1968 या रेल आचरण 1966 अर्थात टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको यहां से प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है और यहां तक बने हैं तो लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिए, यही आप लोगों से उम्मीद हम करते हैं, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को केवल लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना, अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।